किसने पोस्टर लगाया इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन स्वाभाविक है सियासी मतलब तो निकलता है। वह निश्चय का पर्याय कौन बनेगा ये तो इंडिया गठबंधन का साझा नेतृत्व तय करेगा, हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं। पटना में नीतीश कुमार को निश्चय बताकर पोस्टर लगाने वाले लोग अब किनारा काटते हुए दिख रहे हैं। राजधानी पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगा और जेडीयू को कानो कान भनक तक नहीं लगी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पार्टी के MLC पूर्व मंत्री नीरज कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टर किसने लगाया इस बात की तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस निश्चय की बात उसमें की गई है वो स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में हमें ना पद की ललसा है ना कुर्सी की, लेकिन निश्चय तो जरूर है नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की। जिस निश्चय की दुहाई नीरज कुमार दे रहे हैं उसी निश्चय पर अब सवाल उठ रहा है, तो नीरज कुमार किनारा भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है, सुशासन में पुलिस और सूचना तंत्र जेडीयू के पास है, नीतीश कुमार के पास है, बिहार सरकार के पास है, लेकिन पटना में दिन के उजाले में लगा पोस्टर उखाड़ दिया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता है और जेडीयू को मालूम तक नहीं चलता है कि नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ कौन इतना बड़ा मजाक कर जाता है। दरअसल जिस तस्वीर से नीरज कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, जिस स्लोगन से जेडीयू किनारा कर रही है, उस स्लोगन से विपक्षी एकजुटता की गठबंधन पर जो गांठ है वो पड़ने वाली थी। यही वजह है कि आनंद फानंद में पोस्टर लगाकर मैसेज दिया गया और मैसेज जब सब जगह पहुंच गया तो नाराजगी की वजह से हटाया गया। लेकिन इस बीच नीरज कुमार का जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने पोस्टर नहीं लगाया और ना ही हमें इस बात की जानकारी है कि पोस्टर किसने लगाया, लेकिन जिस तरीके से इस पोस्टर में निश्चय की बात की गई थी वो बिल्कुल वाजिब है। सुनिए नीतीश कुमार के लिए पोस्टर जो लगाया गया उस पोस्टर को लेकर जब सवाल नीरज कुमार से पूछा गया तो विवाद के बीच उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है। किसने पोस्टर लगाया इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन स्वाभाविक है सियासी मतलब तो निकलता है। निश्चय जो जनता से किए गए वायदे हर घर बिजली पहुंचाने से लेकर हर घर पानी पहुंचाने का, तो वो निश्चय की बुनियाद के पर्याय तो माननीय नीतीश कुमार जी माने जाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो गैर भाजपा दलों की मोर्चा का है, जो बिहार में किए गए महागठबंधन का विस्तार है, हम उस दौर के उम्मीदवार नहीं हैं प्रधानमंत्री के, न किसी पद के हम इच्छुक हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2024 यह जरूर चाहता है कि निश्चय की बुनियाद पर, राजनीतिक निश्चय कि उन्मादी हुकूमत को देश के अंदर में हटाएंगे और वह निश्चय का पर्याय कौन बनेगा ये तो इंडिया गठबंधन का साझा नेतृत्व तय करेगा, हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।